आज मैं आप पहुंची हूं आप सभी के प्यारे उस शख्स के पास, उस एक्टर के घर पर, जिसका इंतजार आप लोग बहुत ही बेसब्री से करते हैं कि वो पर्दे पर आए, आप लोगों को एंटरटेन करे, क्योंकि वो ना सिर्फ आप लोगों के फेवरेट हैं बल्कि करोड़ों लड़कियों के दिलों पर राज भी करते हैं। जी हाँ, मैं उनके घर पर आ पहुंची हूँ और उनके घर के आशियाने को, जो मुंबई में उनका आशियाना है, उससे आज आप लोगों को रूबरू करवाने वाली हूँ। तो वो कौन है हैंडसम हंग और उसका घर उन्हीं की तरह कितना ज्यादा खूबसूरत है, यही दिखाने के लिए आज मैं आप लोगों को उनके पास ले आई हूँ। तो बिल्कुल देर ना करते हुए उनके घर का डोर जो है वो नॉक करते हैं और आप सभी को उनसे मिलवाते हैं, उनके घर के अंदर लेकर जाते हैं और उनसे रूबरू करवाते हैं। हाय, वेल, तो आप देख लीजिए वो हैंडसम हंग कौन है। हाय, दिस इज पल्लवी पुरी और आज आप मेरे घर पे आए हैं। आइए हम आपको अपना घर दिखाते हैं। आज मैं हूँ तुलसी वीरानी और आप देख रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहुत। हम आज आपको अपना घर दिखाने वाले हैं। हम आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताने वाले हैं और कुछ चीजें जो मुझे जनरली लाइफ में अच्छी लगती हैं वो सब आप देख पाएंगे। ये है हॉल हमारा, वो है मेरी मछलियां जिनका मैंने नाम नहीं रखा है, आप लोग नाम रख लीजिएगा। हाँ जी, वो मेरा मंदिर है मछलियों के, थोड़ा इधर यहाँ पे, यहाँ रोज मेरी सुबह यहाँ से शुरू होती है, आफ्टर बाथ, आफ्टर वॉशरूम। एंड इनके बिना मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता, इनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गन्नू है, गन्नू के अलग अलग बहुत सारे रूप हैं, बालाजी हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं। आइए हम आपको घर थोड़ा और आगे दिखाते हैं। आप मेरे घर में बहुत सारे गन्नों के फोटोज देखेंगे, यहाँ पे भी हैं। एक सीनरी बहुत खूबसूरत सी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मंदिर में भी बहुत सारे गन्नों के सीनरीज हैं। यहाँ मेरा किचन है, जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनता है क्योंकि मैं सेट पे होता हूँ और मेरा खाना बाहर से आता है, पर फिर भी जब मैं घर पे होता हूँ तो यहाँ खाना बनता है, वो अलग बात है। मुझे कुछ बनाना नहीं आता है, सच बताऊं तो मुझे कॉफ़ी अच्छी बनानी आती है और मैगी मैं अच्छी बना लेता हूँ। बीच में बंद हो गई थी तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब मुझे कुछ नहीं आता, इमरजेंसी में मैं क्या करूँगा, लेकिन वापस मैगी चालू हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अलग अलग तरीके की मैगी बनाता हूँ, मैं मैगी की एक शॉप भी खोलने वाला हूँ थोड़े दिन में, जिसमें 101 तरीके की मैगियाँ मिलेंगी। मजाक कर रहा हूँ। आइए आपको अंदर से दूसरा वाला बेडरूम दिखाते हैं। ये मेरा दूसरा वाला बेडरूम है जहाँ पे मैं रेयरली आता हूँ, कभी गेस्ट आते हैं तो ये गेस्ट रूम की तरह यूज़ हो जाता है। वो एक फोटो फ्रेम है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें बहुत सारे तरीके के मैं हूँ। ये इसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत छुपी है। ये हैवी है, ये वुडन है, इसमें बहुत सारे मेरे पिक्चर्स हैं, बदतमीज दिल के टाइम के, मेरी सासू माँ के टाइम के, नागार्जुन के टाइम के नहीं हैं, मेरी सासू माँ तक के ही हैं। बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं और बहुत खूबसूरती से ये बनाया गया, बहुत मेहनत है इसके पीछे, आई अप्रिशिएट। और ये मेरे दिल के बहुत ही करीब। आपको अपना रूम दिखाता हूँ। टिंग टिंग टिंग, ये मेरा बेडरूम है, मोस्टली मैं यहीं होता हूँ और घर पे अक्सर हम लोग नहीं होते हैं, लेकिन जब होते हैं तब मैं यहाँ होता हूँ। अगर घर में कहीं मुझे ढूंढना हो तो मैं यहीं मिलूंगा। ये बेसिकली इसका कलर या जो भी इसके इंटीरियर्स हैं वो बहुत ही सूदिंग हैं। मैं गाने लिखता हूँ, मैं गाने गाता हूँ, तो पीपल हु आर इन टू म्यूजिक दे नीड अ वेरी सूदिंग स्पेस वेयर दे कैन थिंक ऑफ समथिंग एंड राइट। अगर बहुत कलरफुल हो जाएगा तो वो मूड कहीं ना कहीं ब्राइट हो जाता है, तो आप सैड मूड में नहीं जा सकते। अदरवाइज यहाँ के लाइट्स भी आप देखेंगे थोड़े से वार्म लाइट्स हैं। ये मेरा वार्डरोब है, ये मेरा बेड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीच में एक टीवी है जो रेयरली चलाता हूँ मैं। अभी हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ये वो टोपियाँ हैं जो मैं पहनता हूँ। ये है कबर्ड। आइए हम चलते हैं जूतों की तरफ, मुझे जूतों का भी बहुत शौक है, तो यहाँ पे कुछ वो शूज़ हैं जो मैं पहनता हूँ। ये जो मैं पहनता हूँ बार बार बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये कि दूसरे रूम में जो दूसरा वार्डरोब है ना, उसमें पहाड़ बने हुए हैं, वो उन कपड़ों से हैं जो मैं नहीं पहनता हूँ, तो यहाँ पहनने वाली चीज़ें। ये मेरे कुछ शूज़ हैं, मुझे कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत पसंद है, जैसे बॉटेगा मुझे बहुत पसंद है, गुची मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास हर तरीके के शूज़ हैं, अलग अलग तरीके के कपड़ों के साथ, अलग अलग तरीके के जूते, और कुछ चप्पलें भी रखनी चाहिए, कभी कभी काम आती हैं लाइफ में। आइए हम अपने एक और शौक की तरफ चलते हैं, मुझे परफ्यूम्स का भी बहुत शौक है। यहाँ पे है मेरे कुछ परफ्यूम्स जो मैं रेगुलर लाइफ में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे कुछ घड़ियाँ हैं, मुझे घड़ियों का भी बहुत शौक है, तो यहाँ पे कुछ घड़ियाँ हैं मेरे पास जो कुछ मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं।
ये वो परफ्यूम्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये वो मेकअप है जो मैं यूज़ रेयरली करता हूँ, बाकी कुछ क्रीमें हैं जो जनरली एक्टर्स की लाइफ में यूज़ होती रहती हैं, मेकअप वेकअप उतारने एंड ऑल दैट। गाने का बहुत शौक है, वहाँ मेरे बेड के बिल्कुल बाजू में एक स्पीकर जैसी चीज़ है जो रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहला हाथ मेरा यहीं पर लगता है, जिससे कि मैं अपना दिन शुरुआत, मेरे दिन की शुरुआत होती है, मैं गाने बहुत सुनता हूँ। देखिए, हर एक सिंगर की शुरुआत मोस्टली हारमोनियम से ही होती है, क्योंकि हम सबसे पहले सारे गामा पा जनरली यहीं पे सीखते हैं। कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं जो सीखे हुए नहीं हैं मेरी तरह, तो मेरी शुरुआत हारमोनियम से नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जो गुरुजी आए थे उन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाया। तो ये एक और साइड है मेरा, मैं अकेले कभी कभी हारमोनियम भी बजाता हूँ, बहुत अच्छा नहीं बजाता हूँ पर बजा लेता हूँ। और इस तरह हारमोनियम का सेशन ख़त्म होता है, अभी हम दूसरे सेशन पे चलते हैं लाइफ में। बेसिकली म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़माने के सारे दुखों से, परेशानियों से, डिप्रेशन से बाहर निकाल के ले आती है, जो इसलिए बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक से कनेक्टेड रहना। अगर जो लोग नहीं भी गा पाते हैं, लोग जो नहीं भी कुछ बजा पाते हैं, उनको भी मेरा सजेशन है कि प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, बिकॉज ये म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो एस्केप देता है आपको अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ से। वेल, तो आपने अपने प्यारे से एक्टर पल पुरी के आशियाने को देख लिया है, जो उन्हीं की तरह बेहद खूबसूरत है। पल, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मुंबई में अपना आशियाना बनाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, आपने किस तरह से बनाया, कितनी मुश्किलें आए? अगर मैं बात करूँ आपके जर्नी की, तो किस तरह से शुरुआत हुई? जी, मेरी जर्नी शुरुआत हुई शाहरुख खान से। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो इसलिए क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड होती थी, आई हैड अ 9 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप वेरिन मेरी गर्लफ्रेंड को शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता था, तो वो चाहती थी कि मैं भी शाहरुख खान की तरह एक्टर बनूं, जबकि मुझे एक्टर का ए भी नहीं आता था, मुझे कोई क्लू ही नहीं था। सपोज टू भी मैं आपको बोलूं एस्ट्रोनॉट बनना है, तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आज ही मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या करना है हमें नहीं पता होता, उसी तरीके से एक्टर बनने के लिए क्या करना है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई एक टैलेंट हंट था, जिसमें मेरी गर्लफ्रेंड ने, जो मेरी 9 साल वाली गर्लफ्रेंड थी, 9 साल का रिलेशनशिप, उन्होंने फॉर्म भर दिया, मैं सिलेक्ट हो गया, 1,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं जीत गया पता नहीं कैसे। तो वहाँ से एक स्पार्क आया कि नहीं, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, एंड देन आई ट्राइड। पापा ने पहले इनिशियली तो मान भी लिया, मेरे को भेज दिया, मैंने एक्टिंग कोर्स किया एंड ऑल दैट। बाद में धीरे धीरे पापा नेगेटिव हो गए थोड़े से इस प्रोफेशन को लेके, और मेरे को घर छोड़ना पड़ा, मैंने घर छोड़ दिया, वही रेगुलर एक्टर्स लाइफ। फिर घर छोड़ने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी, झेली, स्ट्रगल बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया। स्ट्रगल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो वो ख़राब वाले दिन जब ऑटो वाले भी पैसे नहीं होते थे, वो ख़राब वाले दिन जब लिटरली खाने के पैसे नहीं होते थे, वो वाले दिन भी देखे, क्योंकि मुझे बहुत सर्टेन एक मेरी सोच थी कि मुझे वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए वेट कर रहा था। धीरे धीरे मैंने अपना शो साइन किया बदतमीज दिल, तब से जर्नी चल रही है। उसके बाद मैं नागिन कर रहा हूँ और आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहता हूँ। पल, एकता को इम्प्रेस करना किसी के लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है, वो अपने शो में किसी को ले, ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए। आपको उन्होंने कैसे चुना, आपका नागिन के साथ में सफ़र किस तरह से जुड़ा, किस तरह से आगे बढ़ा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम इंसान अच्छे हैं, तो हमें अपने आप राह मिलती चली जाती है। मुझे उन्होंने क्यों चुना ये तो नहीं पता, पर चुना इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और एकता मैम जेन्युइनली शी इज़ एक्सट्रीमली क्रिएटिव, वो जो भी करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि जो करती है अच्छा हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो वो करती हैं बहुत सोच समझ के करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं, इसलिए अच्छा लगता है। सो उन्होंने मुझे लिया तो अपने आप में मैं एक सेटिस्फैक्शन था कि नहीं यार, कुछ अच्छा है, तभी उन्होंने मुझे लिया। और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा ब्रांड मेरे हाथ में ला के दे दिया, जो पहले से ही 2 शोज जो इससे पहले नागिन मैंने नागिन टू रह चुके हैं, जो हाइस्ट TRP पे थे, उसको मुझे और ऊपर लेके जाना है। तो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम श्योर मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं आप लोगों का प्यार ले लूंगा किसी तरीके से। वेल, थैंक यू सो मच पल हमसे बात करने के लिए। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, आपका आशियाना आज उन्होंने देखा है? आज आपने मेरा आशियाना देखा है,
और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे आशियाने में वेलकम हैं। आप कभी भी आएँ, मुझसे मिलें, मैं आप सब लोगों से बहुत 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 शिद्दत से मिलना चाहता हूँ। आप सब लोगों को लिटरली हक करके थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो भी प्यार आज तक आप लोगों ने मुझे दिया है और आप हमेशा से मुझे देते आ रहे हैं, वो बहुत सेल्फलेस है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाता हूँ, लेकिन मैं और भी बहुत कोशिश करूँगा कि आप लोगों को खुश कर सकूँ। आपसे एक गुजारिश है कि आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। थैंक यू सो मच। वेल, थैंक यू सो मच पलम से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं फैंस जो है इसी तरह से अपना प्यार जो है आप पर बरसाते रहेंगे। कैमरामैन इम्तियाज के साथ पूजा तिवारी, E24 मुंबई।